रही थी। सो वी वर डूइंग अबाउट किंगडम मोनरा एंड वी हैड स्टार्टेड विथ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। मोनरल्स में वन ऑफ द बिग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर बैक्टीरिया। सो न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया आई हैव टोल्ड यू दैट दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफिक आर ऑफ टू टाइप्स। Photo autotrophic and chemoautotrophic. Chemoautotrophic, we had done photo autotrophic. Photo autotrophic means here source of energy is light. यहाँ पे क्या थी? सोर्स ऑफ एनर्जी क्या थे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी इज लाइट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लाइट दे जॉइन कार्बन डाइऑक्साइड विद वॉटर। लाइट एनर्जी फॉर्म P6H12O6। बट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ ठीक करो, इट इज H2S, आई एम सॉरी नॉट वॉटर बट H2S। तो C6H12O6 प्लस सल्फर। सल्फर गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी इज लाइट एंड रिमेम्बर दैट लाइट इज कैप्चर्ड बाय, जैसे प्लांट्स में क्लोरोफिल है, बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं है, मतलब फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में, इसमें क्या है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। लाइट इज कैप्चर्ड बाय बैक्टीरियो क्लोरोफिल, राइट? देन दे Never, अब यहाँ पे देखो कि C6H12O6, तो ये ग्लूकोज बना, दिस इज ग्लूकोज, इसमें कार्बन आया CO2 से, हाइड्रोजन आया H2S से, ऑक्सीजन ऑब्वियसली CO2 से। इसका मतलब जो H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसने क्या दिया? हाइड्रोजन दिया ग्लूकोज को। तो हम क्या कहेंगे? H2S इज द हाइड्रोजन डोनर, राइट? सो हायर प्लांट्स में क्या होता है? वॉटर, दे यूज वॉटर, बट यहाँ पे दे नेवर यूज वॉटर एज हाइड्रोजन डोनर। देयरफॉर डू नॉट लिबरेट ऑक्सीजन, क्योंकि बेटे कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन तो ग्लूकोज में चली गई। अगर वॉटर यूज करता तो सल्फर की जगह ऑक्सीजन लिबरेट होती, बट बैक्टीरिया जो है वो वॉटर नहीं यूज करते, तो दैट्स वाई दे नेवर लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो अगर ये वॉटर नहीं यूज करते तो हाइड्रोजन कौन देता है इनको? द हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। इसको क्लियर ले लेते हैं, H2S इज द हाइड्रोजन डोनर। सो दिस इज अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, राइट? एग्जाम्पल आ जाते हैं बेटा, क्लोरोबियम। रोडो स्यूडोमोनास
another is rhodo. Pyrrolium. These are photosynthetic bacteria. ठीक है जी, अब हम पहले कुछ और भी करेंगे, फिर आपने लिखना. उसके बाद आ जाता है बेटा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड. फिर कहां से लेते हैं फूड? सेप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज ऑब्टेन्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स. उनमें से ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. दे ईट, है ना, धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाते हैं. उनमें से न्यूट्रिएंट्स लेते जाते हैं डेड में से, डेड वाले खत्म हो जाएंगे. दे क्लीन द लैंड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स बाय डीकंपोजिशन. उनको डीकंपोज करके खा जाएंगे और लैंड क्लियर हो जाएगी. दस कॉल्ड एज नेचर्स स्केवेंजर्स. स्केवेंजिंग करना मतलब क्लीन करना, इसलिए ये नेचर को क्लीन करके रखते हैं. ठीक है जी, दूसरे आ जाते हैं बेटा पैरासिटिक बैक्टीरिया. ये मैं एग्जांपल बताऊंगी आपको. दे फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कॉज वेरियस डिजीजेस. इसके नीचे जगह छोड़ना, हम जब ये रफ करेंगे तो फिर मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी बताऊंगी पैरासिटिक की. और तीसरे आ जाते हैं सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का मतलब है दे लिव इन mutually beneficial relationship with the host. ये भी मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगी कि होस्ट को भी बैक्टीरिया का फायदा है और बैक्टीरिया को भी होस्ट का फायदा है. तो दिस इज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, राइट. तो दोबारा से मैं बता रही हूँ कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है. ऑटोट्रॉफिक कैन बी फोटो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक. हेट्रोकीमो ऑटोट्रॉफिक मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था विद एग्जांपल. हेट्रोट्रॉफिक कैन बी सेप्रोबिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक. ठीक है बेटा, तो ये एक बार नोट कर लो, फिर मैं आपको पैरासिटिक और सिम्बायोटिक की एग्जाम्पल्स बताती हूँ. चलो बेटा, अब इसके नीचे पैरासिटिक बैक्टीरिया, उसके नीचे ही एग्जाम्पल लिखना. एग्जाम्पल आ जाती है बेटा विब्रियो कॉलरा. डिप्लोकोकस निमोनिया. आप पहले ध्यान से सुनो,
और इनको पढ़ो ताकि आपको वेल वर्स्ड हो इन मेल से. देन माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, बेसिलस, एंथ्रेसिस, क्लॉस्ट्रिडियम, टेटनाई. माइकोबैक्टीरियम टाइफी, दीज आर सम ऑफ द पैरासिटिक बैक्टीरिया. थोड़े से मैंने चार पांच बताया है, अदरवाइज है तो बहुत सारे. विब्रियो कॉलरा, इट कॉजेज द डिजीज कॉलरा. इट कॉजेज न्यूमोनिया. इट कॉजेज टीबी, मतलब ट्यूबरक्लोसिस. इट कॉजेज एंथ्रेक्स, ये टाइफॉइड, सॉरी ये टेटनस, आई एम सॉरी. And this causes typhoid. These are the, you know, parasitic bacteria. एक बार सिंबियोटिक के भी एग्जाम्पल लिख लो. सिंबियोटिक एग्जाम्पल है राइजोबियम बैक्टीरिया. कहाँ रहता है राइजोबियम बेटा? संदीप, एयर में नहीं बेटा, सिंबियोसिस किसके अंदर रहता है? हाँ जी, कौन बताएगा? ईशान, ये आपने 7th 8th में पढ़ा होगा, 8th में आई होप पढ़ा होगा. तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, हम रूट्स ऑफ लेज्यूमिनस प्लांट्स. बिल्कुल ठीक है, लिव्स इन रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. दोनों में बेनिफिशियल क्या है? जो प्लांट्स है वो शेल्टर देता है और फूड देता है, और इन टर्म राइजोबियम क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसको यूजफुल वॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट्स को देता है. तो हम क्या कहेंगे? प्लांट्स गिव शेल्टर एंड फूड टू बैक्टीरिया विच इन टर्न गिव्स फिक्स्ड नाइट्रोजन. ये हम करेंगे थोड़े टाइम बाद की. व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड नाइट्रोजन? आई विल टेल यू लेटर ऑन, नॉट दिस टाइम. फिक्स्ड नाइट्रोजन टू प्लांट, जहां पे वो रह रहा है उनको फिक्स्ड नाइट्रोजन देता है. इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है बैक्टीरिया फ्रेंकिया. कहां पे रहता है? रूट नोड्यूल्स ऑफ एल्डर्स. ये कॉमन है एल्डर्स सच एज एल्नस एंड कैजुराइना. इनकी रूट्स में फ्रेंकिया रहता है. ये क्या करता है? फिक्स नाइट्रोजन.
उसी तरह से, और ये क्या करते हैं, प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, सेम है ये. इज इट ओके? सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पैरासिटिक बैक्टीरिया, दीज आर टू एग्जांपल्स ऑफ सिंबायोटिक बैक्टीरिया. राइट ऑन. नेक्स्ट वी कम टू रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया. इट कैन बी एरोबिक और इट इज एनारोबिक इन अदर्स. एक में दोनों नहीं, कुछ में एरोबिक कुछ में एनारोबिक. इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक कैसे है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक एग्जाम्पल आ जाता है क्या, दैट इज एचर्शिया कोलाई. Another is Bacillus subtilis. Anaerobic example hai Clostridium botulinum. This is एनारोबिक. ठीक है, अब एक आ जाती है फैकल्टेटिव. फैकल्टेटिव रेस्पिरेशन क्या है बेटा, ऑर्गेनिजम्स कैन परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये अडेप्टेड है, अगर ऑक्सीजन मिल गई तो एरोबिक कर लेंगे, नहीं मिली तो एनारोबिक कर लेंगे. ठीक है, सो दैट इज फैकल्टेटिव रेस्पिरेशन. एग्जाम्पल आ जाता है बेटा इसमें क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई. टेटनस कॉजिंग बैक्टीरिया, इट हैज फैकल्टेटिव रेस्पिरेशन. अब मुझे एक चीज बताओ, हमारे जो सेल्स में रेस्पिरेशन होती है, विच ऑर्गेनेली helps in respiration, aerobic respiration. जल्दी से ईशान, हमारे सेल की किस स्ट्रक्चर में aerobic respiration होती है? Yes, ईशान. मुझे सुना नहीं बेटा. मैम माइटोकॉन्ड्रिया. यस, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, बट जो प्रोकैरियोट्स है उनमें तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है. कोई माइटोकॉन्ड्रिया, कोई क्लोरोप्लास्ट, कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो वहां पे रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में ही होती है. तो साइट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, इट इज
साइटोप्लाज्म। देन व्हाट इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? तो यहाँ पे बेटा कुछ रिएक्शन साइटोप्लाज्म में है और कुछ एंजाइम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है, तो हम कह देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या भी हम स्ट्रक्चर करेंगे तो साथ ही बताएंगे कि उसी की इनफोल्डिंग है मीजोसोम। तो साइट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज साइटोप्लाज्म, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज मीजोसोम। सो दिस इज अबाउट रेस्पिरेशन। देन नेक्स्ट आ जाता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन। मेन मोड बाइनरी फिशन, फिशन होते डिवीजन, बाइनरी मतलब टू, इन विच वन बैक्टीरिया डिवाइड्स इन टू टू इक्वल डॉटर सेल्स। देन सेकेंड आ जाता है फॉर्म थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट एंडोस्पोर्स। थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट एंडोस्पोर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखें, सम फॉर्म, सम नहीं हर कोई नहीं, सम फॉर्म, सम बैक्टीरिया फॉर्म थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट एंडोस्पोर्स। तीसरा है नो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो इनमें चेंजेस कैसे आते हैं, वेरिएशंस कैसे आती है वो हम बताएंगे, पहले ये नोट करें। तो हम ये कह रहे हैं नो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके आगे लिखो बट वेरिएशंस अकर, बट वेरिएशंस अकर ड्यू टू जीन ट्रांसफर, ड्यू टू जीन ट्रांसफर बाय बाय फर्स्ट है कॉन्जुगेशन, सेकंड है ट्रांसफॉर्मेशन एंड थर्ड इज ट्रांसडक्शन। ध्यान से सिर्फ देख लो, बहुत ज्यादा नहीं, ताकि इन टर्म्स का मतलब आपको पता चले, फिर मैं डेफिनेशन को जरूर लिखवा दूंगी कि ये बाई चांस दो बैक्टीरिया आपस में क्लोज आए, दोनों के बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी और किसी एक बैक्टीरिया की कुछ जीन यहाँ पर ट्रांसफर हो गई और थोड़ी देर बाद ही ये ट्यूब क्लोज हो गई। तो दिस इज जीन ट्रांसफर। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक बैक्टीरिया है, ये मीडियम है, मीडियम में कोई दूसरे बैक्टीरिया मर गए और मरने के बाद उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल बाहर लिबरेट हो गया उनका, ये जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया के अंदर गया और इसने इसको डिफरेंट वैरायटी में चेंज कर दिया,
ठीक है ना, किसी की जीन किसी और के अंदर जाएगी तो ऑब्वियसली उसके करेक्टर्स चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे मीडियम में से दूसरे बैक्टीरिया का जेनेटिक मटीरियल इस बैक्टीरिया में चला गया एंड दिस बैक्टीरिया नाउ हैज सम करेक्टर्स ऑफ द अदर बैक्टीरिया ऑल्सो। एंड ट्रांसडक्शन, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम थ्रू वायरस, इज इट ओके? तो पहले लिख लीजिए कॉन्जुगेशन, राइट डाउन, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन होता है दो का जुड़ना, थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब। देन ट्रांसफॉर्मेशन, वेन द जेनेटिक मटीरियल ऑफ वन बैक्टीरियम इज ट्रांसफर्ड टू अनदर बैक्टीरियम थ्रू मीडियम मीडियम जहां पे ग्रो कर रहा है। और तीसरा है ट्रांसडक्शन, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरसेस। वायरसेस ने एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, उसका थोड़ा सा जेनेटिक मटीरियल उठाया, फिर दूसरे बैक्टीरिया को जब इन्फेक्ट किया तो उसमें पहले बैक्टीरिया का जेनेटिक मटीरियल ट्रांसफर कर दिया, ठीक है जी। सो दिस इज ट्रांसडक्शन। सो दीज आर द, वैसे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नहीं, गैमेट्स की फ्यूजन नहीं है, बट कैसे वेरिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं? बाय कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोसेसेस डन बाय द बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। इसमें फर्स्ट आ जाता है सेल एनवेलप। दिस इज ए बैक्टीरियल सेल, टिपिकल बैक्टीरियल सेल। सबसे बाहर है उसकी सेल वॉल, सेल वॉल जो है इट कैन बी सिंगल लेयर्ड और टू लेयर्ड, हम टू लेयर्ड बना लेते हैं। कईयों में टू लेयर्ड है, कईयों में सिंगल लेयर्ड है। सेल वॉल के बाहर म्यूसिलेज की लेयर है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोकेलेक्स।
दिस इज म्यूसिलेज शीट, ये दोनों सेल वॉल लेयर्स, सेल वॉल के अंदर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच की स्पेस है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस, ये मैंने आपको बताया था इनवेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज मीजोसोम, द जेनेटिक मटीरियल, ये हमने शायद पहले भी डायग्राम बनाया था बट दोबारा से बना लेना इसका, जेनेटिक मटीरियल दिस इज जीनोफोर या न्यूक्लियोइड, अगर बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है, अगर, तो ये ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है कॉल्ड एज क्रोमेटोफोर्स, बाकी बैक्टीरिया में नहीं होते, सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में है, क्रोमेटोफोर्स इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैविंग बैक्टीरियो क्लोरोफिल, देन नाउ देयर इज प्रेजेंट, दीज आर राइबोसोम्स, प्रोटीन machineries या protein industries, these are, हम इसको बोलते 70s ribosomes, s are the type, then there are जो aquatic bacteria है उसमें क्या पड़े हुए हैं, गैस वैक्यूल्स, सभी में नहीं, एक्वेटिक बैक्टीरिया में है, टू प्रोवाइड देम लाइट वे, ताकि ये पानी के ऊपर ऊपर रहे, दीज आर ग्लाइकोजन बॉडीज विच स्टोर ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इज द रिजर्व फूड, दीज आर ग्लाइकोजन बॉडी, देन वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, दिस इज बाकी का क्या है, साइटोप्लाज्म, और कुछ भी नहीं होता है, दिस इज साइटोप्लाज्म, जो सेल एनवेलप है उसमें म्यूसिलेज शीट, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीनों आ जाती है, दिस इज सेल एनवेलप, ठीक है, पहले आप ये बना लो फिर हम ये करते हैं। सम बैक्टीरिया है सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है, बनाओ फिर हम डिस्क्राइब करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं बेटा
पहले आ जाते हैं सेल एनवेलप. इट इज कॉम्प्लेक्स थ्री लेयर्ड कवरिंग. कौन सी है? पहले हम कहेंगे आउटरमोस्ट ग्लाइकोकेलेक्स. या फिर जिसको हम क्या बोल देते हैं, म्यूसिलेज शीट. If loose, it is called as slime layer. If compact, it is capsule. लिखो पहले. अगर लूज है तो हम इसको स्लाइम लेयर कहते हैं, अगर कॉम्पैक्ट है तो इसे हम कैप्स्यूल कहते हैं. नीचे लिख लो, इट प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया फ्रॉम डेसिकेशन, टूटने फूटने से. It protects bacteria from desiccation. DESSICATION. Second, आ जाइए. It protects bacteria from various toxins. It protects bacteria from various toxins. Our third hai, it helps in attachment of bacteria with the host cell. और फिर अगले पॉइंट में लिखना द थिकनेस ऑफ ग्लाइको. हाँ जी बेटा. मैम विद द होस्ट सेल या होस्ट ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लेना, द थिकनेस ऑफ ग्लाइकोकेलेक्स इज वेरिएबल. कई जगह थिन है, कई जगह थिक है. जहां पे प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए वहां पे थिक हो जाए. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाइए, सेकेंड लेयर आ जाती है बेटा सेल वॉल. म्यूरिन को और क्या बोल देते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन. म्यूरिन को बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन एंड लिपिड्स. लिपिड्स मतलब फैट्स. तो सेल वॉल इन बैक्टीरिया इज फॉर्म्ड ऑफ म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकन एंड लिपिड्स. म्यूरिन क्या चीज है? लिपिड्स को पता चल गया. लिपिड्स मतलब फैट्स. म्यूरिन इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोल देते हैं, म्यूको
पॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड है कॉम्प्लेक्स, ये हम बायोमोलिक्यूल्स करेंगे तो और ज्यादा डिटेल करेंगे कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, बट इट इज ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। देन म्यूरिन जो है इसे पॉलीमर ऑफ, पॉलीमर होते चेन जिसमें मोती जुड़े हुए हैं, पॉलीमर ऑफ नाम नाग एंड पेप्टाइड, ये एक यूनिट है। इट इज एन टाइम्स, ये यूनिट बहुत बार रिपीट होता है तब जाके म्यूरिन बनती। अब बात आ जाती है नाम या नाग ये क्या है। हाँ जी समरीत कुछ पूछना बेटा। नो मैम। ओके नाम, नाम की फुल फॉर्म क्या है इसको हम लिखते हैं एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड नाम। नाग क्या है एन एसिटाइल ग्लूकोस एनी, एन एसिटाइल ग्लूकोस एनी। पेप्टाइड क्या है चेन ऑफ फोर अमीनो एसिड, चेन ऑफ फोर अमीनो एसिड। ओके तो सेल वॉल जो है वो किसकी बनी है पेप्टिडोग्लाइकन एंड फैट्स की। पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड किसका पॉलीमर है, इस यूनिट का पॉलीमर है। ये यूनिट एक बीड की तरह, एक मोती की तरह से है, बहुत सारे ऐसे मोती ज्वाइन करके एक चेन बनाते हैं। वो किसका मोती किसके बने हैं नाम नाग पेप्टाइड। नाम इज एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, नाग इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, पेप्टाइड इज चेन ऑफ फोर अमीनो एसिड। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेल वॉल कैन बी सिंगल लेयर्ड और टू लेयर्ड। सेल वॉल सिंगल लेयर्ड इन ग्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया। Then it is two layered in gram negative bacteria. ये भी gram positive gram negative क्या है ये मैं अभी बताऊंगी। Two layered outer layer of lipids. Inner layer of murine. Outer layer of lipids, inner layer of murine. यहाँ पे दोनों मिक्स है, कोई सेपरेट नहीं है। यहाँ पे म्यूरिन और लिपिड्स मिक्स है, यहाँ पे स्पेसिफिक। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने ये कहा ग्रैम पॉजिटिव ग्रैम नेगेटिव, ये क्या है
इसी में ही सब टॉपिक आ जाता है ग्रैम स्टेनिंग। फर्स्ट डन बाय साइंटिस्ट का नाम था क्रिश्चियन ग्रैम, जिसके नाम पे ग्रैम स्टेनिंग रखा गया। प्रोसेस क्या है ग्रैम स्टेनिंग की, प्रोसेस क्या है? फर्स्ट है स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया बाय क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन। एक स्टेन है, उस बैक्टीरिया के ऊपर वो स्टेन डाल दी, ठीक है, जिससे क्या हुए ब्लू बैक्टीरिया। देन ट्रीटिंग विद 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन एज स्टेन फिक्सर। उसके बाद वॉशिंग विद इथेनॉल। और बेटा लास्ट स्टेप के बाद दोज बैक्टीरिया विच रिटेन ब्लू कलर दे आर ग्रैम पॉजिटिव एंड दोज बैक्टीरिया विच लूज ब्लू कलर आर ग्रैम नेगेटिव। लिख लो वॉशिंग विद एल्कोहल, उसके बाद लिख लो आफ्टर वॉशिंग the bacteria which retain blue color are gram positive and which lose blue color are gram negative bacteria. अच्छा बेटा अब मुझे एक चीज ये बताओ जोरावर, if you know कि अगर आपके कपड़ों पे कोई ग्रीस लग जाए, ग्रीस भी एक ऑयल की तरह से है, ठीक है, तो आपकी मम्मा उसको पेट्रोल से या केरोसिन से उससे धो देगी, या कोई भी आप ड्राई क्लीन करवा लोगे वो भी क्या करते हैं केरोसिन से धोते हैं। क्यों भला ऐसा क्यों है? यस जोरावर, कोई ऑयल है उसको रिमूव करने के लिए केरोसिन दोबारा से जोर से मैम उसको रिमूव करने में हेल्प कर देता थोड़ी सी। कैसे? नहीं वो बात ठीक है कि उससे रिमूव हो जाते, कैसे उससे क्यों रिमूव होते हैं? पानी से क्यों नहीं रिमूव हो जाते, अल्कोहल से या केरोसिन से, इससे क्यों रिमूव होते हैं? क्योंकि बेटा जो फैट्स है ना दे आर सोल्यूबल इन अल्कोहल। कभी आपके घर में कोई अल्कोहलिक ड्रिंक पड़ी होगा ना तो उसके अंदर थोड़ा सा घी डाल के देखना, कैरोसिन पड़ा हो, पेट्रोल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है ये सब, ठीक है, अल्कोहल है, कैरोसिन है, पेट्रोल है, इसको लेके इसमें थोड़ा सा घी डाल के देखना वो डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है। पानी में तो वो ऊपर तैरते हैं, अल्कोहल में डिजोल्व हो जाएंगे, राइट। दूसरी एक मैंने आपको ये हिंट दिया है, दूसरा हिंट मैं ये दे रही हूँ कि ग्रैम स्टेनिंग गिव्स ब्लू कलर टू द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बैक्टीरिया। वो अंदर कुछ नहीं, सिर्फ आउटर मोस्ट लेयर को ब्लू कलर देता है, ठीक है। दो हिंट लिख लो, बॉक्स बनाओ उसमें हिंट लिखो कि फैट्स आर सोल्यूबल इन, फैट्स और लिपिड्स आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज एल्कोहल। सेकेंड हिंट लिखिए कि ग्रैम स्टेन द या यस इन ग्रैम स्टेनिंग इट इज द आउटर वॉल लेयर
या आउटर वॉल या लेयर कुछ भी कह लो, आउटर वॉल लेयर विच टेक द स्टे विच टेक द ब्लू कलर. और फिर बॉक्स क्लोज कर दो और फिर क्वेश्चन लिखिए. वाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लूज देयर ब्लू कलर, लूज देयर ग्राम स्टेन आफ्टर वॉशिंग विथ इथेनॉल, लूज देयर ग्राम स्टेन आफ्टर वॉशिंग विद इथेनॉल. वाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लूज देयर ब्लू कलर या ग्राम स्टेन आफ्टर वॉशिंग विद इथेनॉल. चलो जल्दी से मुझे बताओ, सोचो और फिर बताओ. But I have told you that outer cell wall layer of gram negative bacteria is formed of lipids. देखो जरा कॉपी में, yes or no? बोलो yes कि नहीं. Yes ma'am. Outer layer जो है वो lipids की बनी है, inner murine की बनी है. उन्होंने outer wall layer ने color ले लिया, कोई बात नहीं. But जब हमने उसको ethanol से wash किया तो आउटर वॉल लेयर जो लिपिड्स की फैट्स की बनी थी वो तो इथेनॉल में डिसॉल्व हो गई, उसी ने तो कलर लिया हुआ था. और जब वो डिसॉल्व हो गई तो जो बैक्टीरिया था वो क्या हो गया, वो कलरलेस हो गया. इज इट राइट? ठीक है, तो वॉशिंग इथेनॉल के बाद पहले आप लिख लो ग्राम पॉजिटिव. लिख लिया आपने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन ब्लू कलर, whereas gram negative bacteria lose their blue color. Next point likhiye, gram negative bacteria lose their blue color, gram negative bacteria lose their blue color because their outer wall layer is formed of lipids. Their outer wall layer is formed of lipids which gets dissolved in ethanol, which gets dissolved in ethanol. ठीक है जी. Next point. अब बेटा हम staining क्यों करते हैं, ताकि हमें bacteria नजर आ सके. यहाँ यहाँ पर बैक्टीरिया है ना. लो पार माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे, इलेक्ट्रॉन से नहीं, सिंपल माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे, अगर ब्लू कलर बैक्टीरिया होंगे तो हमें पता चल जाएंगे. ठीक है, तो चलो ग्राम पॉजिटिव तो ग्राम स्टेनिंग से पता चल गए, जो ग्राम नेगेटिव है वो तो ग्राम स्टेन लूज कर देते हैं, उनको कैसे देखें. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैन बी स्टेन्ड बाय can be stained by eosin, E-O-S-I-N, eosin stain, eosin stain. इस stain का नाम है. Next आ जाइए difference in gram positive, gram negative bacteria. बहुत common question है, PMT में भी किसी एक point को लेकर difference आ सकता है. Difference in gram positive and gram negative bacteria. सबसे पहले you should know gram positive retain blue color of gram staining. Retain blue color after gram staining. Gram negative lose blue color. Lose blue color. Gram positive. Single layered cell wall. Single layered cell wall. Gram negative.
टू लेयर्ड सेल वॉल. थर्ड है क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बेचारी सिंगल लेयर है, इसलिए इस पे हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबायोटिक जरा सी एक्ट करेंगी ये मर जाएंगे. ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दे आर मेनली नॉन पैथोजेनिक, मेनली नॉन पैथोजेनिक, दैट इज डू नॉट कॉज डिजीज, डू नॉट कॉज डिजीज. As they are, sensitive to antibiotics, gram negative, resistant to antibiotics. And thus are pathogenic, cause diseases. Thus are pathogenic, that is cause diseases. ठीक है जी, ये difference है gram positive and gram negative bacteria. ठीक है जी, next point एक और लिख लो. Cell wall का हमने structure कर लिया सब कुछ, थोड़ा सा इसके बारे में और कि एक हमने आगे चल के भी आप कई जगह पढ़ेंगे लाइसोजाइम, LYSOZYME, लाइसो LYSO, नेक्स्ट पॉइंट लिखे लाइसो LYSOZYME, लाइसोजाइम इज बैक्टीरीसाइडल एंजाइम, इज बैक्टीरीसाइडल, BACTERI CIDAL, bactericidal, side का मतलब होता है kill करना. Bactericidal enzyme means kills bacteria by breaking their cell wall. They kill bacteria by breaking their cell wall. Dissolving, breaking या dissolving their cell wall. उसके बाद एक और आ जाता है antibiotics. Some antibiotics such as penicillin. बहुत पुरानी antibiotic है, सबसे पहली antibiotic है penicillin. Also kills bacteria by inhibiting their cell wall, formation. जब bacteria ने एक से दो bacteria बनाए तो हर bacteria अपनी अपनी cell wall बनाएगा, और penicillin क्या करता है, उनकी cell wall नहीं बनने देता. Cell wall नहीं बनेगी तो आप ये सोच लो कि हम जो है without skin, can we live without skin? No, we cannot. इतने सारे पैथोजेंस आके हमारे पे अटैक करेंगे. ऐसे ही हमारी बॉडी में बैक्टीरिया चले जाए, उसकी सेल वॉल ना बने, तो हमारे एंटीबॉडीज, हमारे इम्यून सेल्स इसको खा जाते हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया मर जाते हैं, राइट? तो लाइसोजाइम जो है, अब आपने सुना होगा लाइसोजाइम, हम ना जनरली कोई बच्चा ना रोता बहुत है, पहले तो हम उसको चुप कराते हैं, जब वो चुप नहीं होता तो हम कहते हैं चल रोने दे, अच्छा इसकी आंखें साफ हो जाएंगी. बट दिस इज ए गुड थिंग, आंखें साफ हो जाएंगी क्यों बेटा, हमारी आंखों के अंदर एक टीयर्स की लेयर हमेशा होती है, वो तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स है जो बाहर आते हैं. ठीक है, तो टीयर्स में एक एंजाइम है लाइसोजाइम. ठीक है, आपकी आंख में कुछ चला जाए, एकदम इतना सारा पानी आ जाता है, क्यों? ये सारा हमारा इम्यून सिस्टम है. वो क्या है कि अगर कुछ धूल के साथ, मिट्टी के साथ बैक्टीरिया गया है तो टीयर्स के अंदर लाइसोजाइम है, वो उस बैक्टीरिया को मार दे. इसी तरह हम खाना खाते हैं तो हमारा सलाइवा है, सलाइवा, उसके बाद इंटेस्टिनल जूस, कई जगह लाइसोजाइम है. ऑल्दो ये बहुत वीक एंजाइम है बट फिर भी कुछ ना कुछ तो इफेक्ट करता है. हम कहते हैं चोट लग गई मुंह में डाल लो, हाथ मुंह में डाल लो, ब्लीडिंग तो थोड़ी देर बाद खुद ब खुद बंद हो जानी है, खून निकलना तो बंद हो जाएगा क्लॉटिंग से,
बट अच्छा इसमें ना इन्फेक्शन नहीं होगी, बहुत ज्यादा चोट लग जाए दैट इज ए थोड़ी बहुत मुंह में डाल लो कर लो, क्यों? क्योंकि सलाइवा में क्या है, लाइसोजाइम है, वो बैक्टीरिया को मार देगा. इज इट ओके? समझ में आई सबको कि नहीं? यस मैम. ठीक है, सिर्फ समरीत को कि बाकियों को भी? जल्दी से एवरीबडी रेज योर हैंड जल्दी से, ताकि आपको पता चले हाथ कैसे खड़ा करते हैं. समरीत ईशान का तो हो गया, ये तो मुझे पहले ही पता है. जोरावर एंड पवनजोत, आप भी हाथ खड़ा हो, वेरी गुड. पवनजोत ने भी कर दिया. जोरावर का नहीं हुआ बेटा, वेरी गुड वेरी गुड. अब ये आपने फटाफट करने हैं ताकि मुझे पता चलता रहे बेटा, अच्छा लगता है मुझे. ठीक है जी, सो दिस इज अबाउट सेल वॉल. ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाए जल्दी से, हम एक और पॉइंट करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ताकि एनवेलप खत्म हो जाए. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स इज सिमिलर टू यूकैरियोट्स, इज सिमिलर. सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोट से मिलता है, इज सिमिलर टू यूकैरियोट्स. इट इज फॉर्म्ड ऑफ, इट इज फॉर्म्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स. द स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल इज कॉल्ड एज, is called as periplasmic space, is called as periplasmic space. ठीक है जी, next paragraph में लिख लेना, cell envelop as a whole, cell envelop as a whole is a protective structure, is a protective structure which provides, which provides protection, structural support, which provides protection, structural support and adhesion with the substratum. Adhesion means उसके साथ attach करने में help करता है. Adhesion with the substrate. Okay, so this is for today. Tomorrow, कितने बजे हमें मिलना है? कल हमें मिलना है 11 बजे सुबह, 11 o'clock. सब अपना अलार्म लगाएंगे, मैं किसी को फोन नहीं करूंगी बेटा. ठीक है जी, ओके बेटा, बाय बाय.